जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू संभाग में जम्मू विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक भूमिका अदा कर रहा है और आयोजन 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जम्मू विश्वविद्यालय के नेतृत्व में और यह आयोजन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में हो रहा है जो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक है और इस उद्घाटन सत्र की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं और समापन केंद्रीय मंत्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड आल्सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं। इस आयोजन का जो केंद्र बिंदु है वो है आर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज, मीन्स नृत्य, कला, नाटक, रंगमंच, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, क्रिटिकल थिंकिंग जो बच्चों की है, ये सारी चीज़ें निकल करके आए। इस कार्यक्रम को एक नाम दिया गया है अंतर्नाद और इसका अभिप्राय है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और अपनी जीवन यात्रा उसी के अनुसार तय करें। धन्यवाद। मैं अपने जो हमारे बच्चे हैं छात्र, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वह किसी के वर्गलाने में नहीं आ रहे हैं और अपनी एक्टिविटीज़, चाहे वो एकेडमिक हों, स्पोर्ट्स हों, कल्चरल हों, लिटरेरी हों, इस पर वो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, न कि अन्य विषयों पर। मैं आप लोगों से शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है, जम्मू विश्वविद्यालय अभी 3-4 दिन पहले 11 क्लब्स विश्वविद्यालय में होंगे इसका नोटिफिकेशन किया है और नोटिफिकेशन के साथ हर क्लब को 1-1 लाख रुपए इनिशियली वह ग्रांट दिया है। ये क्लब हैं फोटोग्राफी क्लब, फिल्म मेकिंग क्लब, लिटरेरी क्लब, ट्रांसलेशन क्लब, पेंटिंग क्लब, डांस क्लब, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ क्लब, म्यूजिक क्लब, हेरिटेज एंड टूरिज्म क्लब, थिएटर क्लब, कम्युनिटी एंड सोशल जस्टिस क्लब। तो ऐसे 11 क्लब्स बनाए गए हैं ताकि हम शिक्षा को सिर्फ चार दीवारियों तक कैद करके न रखें क्लासरूम के, शिक्षा को सामाजिक, समाज से और राष्ट्र की जरूरतों से जोड़ करके देखें। उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें कल्चर भी है, उसमें लिटरेरी एक्टिविटीज भी है, उसमें फिल्म मेकिंग भी है, पेंटिंग भी है, डांस भी है, म्यूजिक भी है, ये सारी चीज़ें। उमेश राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है इस समय। जो अंतर्नाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी में पिछले काफ़ी समय के बाद, और कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें परफॉर्म कर रही हैं और आने वाले समय में कितने कॉलेजेस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, किस तरीके का प्रोग्राम होगा, जानने की कोशिश करते। पहले तो आपका स्वागत है सर, क्या कहेंगे अंतर्नाद को लेकर, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। धन्यवाद, आपने एक साथ कई प्रश्न कर दिए हैं। पहले तो अंतर्नाद को लेकर के क्या कहेंगे ये है, अंतर्नाद यह शब्द जो दिया गया उसका मतलब यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से या नृत्य, नाटक, लिटरेरी एक्टिविटीज, इसके माध्यम से हम आपको इनेबल कर सकें ताकि आप अपने अंदर की आवाज को पहचान सकें, समझ सकें और उसके अनुसार जीवन में आप कदम उठाएं, और इसी को ध्यान में रख करके इस यूथ फेस्टिवल को हम अंतर्नाद नाम दिए हैं। दूसरा प्रश्न आप का था कि कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 18 यूनिवर्सिटीज इसमें 18 विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जम्मू रीजन से जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों से यूनिवर्सिटीज हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि यूथ फेस्टिवल है, हर एक जगह से यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे युवा हमारे जम्मू भारत देश के, और क्या संदेश निकलेगा इस अंतर्नाद से, इस प्रोग्राम से, इस फेस्टिवल से? इस फेस्टिवल का के आयोजन का संदेश, जो बड़े पैमाने पर संदेश है, वो है नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकता का, क्योंकि
श्रेष्ठ भारत एक भारत, यही जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश जाना चाहते हैं कि भारत की यूनिटी और भारत की श्रेष्ठता विश्व में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि भारत G20 कंट्रीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से उन युवाओं को, उन कॉलेज के बच्चों को जो इस प्रोग्राम में फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? उनको संदेश जो देना चाहेंगे वो ये है कि वह अपने अंदर की खिड़कियों को खोल के रखें, ताकि हवाएं जो चारों दिशाओं से आ रही हैं उनके अंदर तक जाएं और वो इनेबल हो सकें अपनी आवाज को पहचानने का और जीवन में किस तरह से उनको आगे बढ़ना है इसके निर्णय लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमारी साफ तौर पर बातचीत चल रही थी, वो थे हमारे साथ वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के उमेश राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर एक संदेश भी दिया और जो यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है उसको लेकर भी काफ़ी सारी बातें की और कहां कहां से इसमें बच्चे जो हैं वो परफॉर्म करेंगे अलग अलग कॉलेजेस से। ये साफ तौर पर उनकी जबानी आपने सुना उमेश राय जी की। और अंतर्नाद जो एक प्रोग्राम फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी में, आप भी आइए इसमें शिरकत कीजिए और एक बहुत बड़ा संदेश जो है जम्मू यूनिवर्सिटी से अंतर्नाद के माध्यम से निकलने वाला है। मेरे कैमरा पर्सन के साथ विनीत कार्लो की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार।